हर मौसम में पसंद की जाने वाली ये मठरी सर्दी हो या गर्मी सभी को पसंद आती है चाय के साथ, और अक्सर ये ठंड में तो हमें ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में टेस्टी लगती हैं। गर्मा गर्म चाय और साथ ही ये नमकीन वाली मठरी मिल जाए खाने में तो मज़ा ही आ जाता है चाय पीने में। तो चलिए इसको बनाना कैसे है इसको दिखाते हैं। हमने एक कटोरी मैदा ली है और 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसे हम छान लेते हैं और इसे हम कुछ हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो कुछ इसमें और भी चीज़ें डालेंगे जो शायद आपने पहले इस तरीके से नहीं बनाकर खाई हों। और हमने उसी कटोरी की हाफ सूजी डाली है जिससे हमने मैदा और आटा लिया था। आप किसी भी बर्तन से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे इसमें अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मठरी तो नॉर्मल आपने बहुत बनाकर खाए होंगे लेकिन कुछ हमने इसे अलग तरीके से बनाएंगे। और अब डालेंगे हाथों से क्रश करके अजवाइन और इसे भी इसमें डाल देंगे और 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और अब इसमें डालेंगे हम 2 पाउच चिली फ्लेक्स के। आप इसकी जगह नॉर्मल घर की कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर हो तो आप डालें, नहीं तो आप घर वाली भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह डालकर आटे में मिला देंगे। और थोड़ी सी हमने डाली है हींग, हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और इन सारी चीज़ों को मिला देना है और ये इस समय सीजन में हरी वाली जो पत्ती वाली मेथी आ रही है इसे हमने थोड़ी सी इसी को ले लिया है और धो के साफ कर ली है और थोड़ी देर के लिए इसे रख दें जिससे कि इसका पानी सूख जाए। और इसे हमें बारीक बारीक काट लेना है और हमने 1 पिंच सोडा डाला है मीठा खाने वाला और इसको हम बारीक बारीक मेथी को काट लेंगे चाकू से इस तरीके से। और अब लेनी हमें कढ़ाई, कढ़ाई में आप जो भी ऑयल खाते हो वो ऑयल आप डालें और इसे हमें मेथी को थोड़ी देर के लिए भूनना है। फ्रेंड इस तरीके से आप एक बार मठरी बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है खाने में। आप इसे 1 महीने के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और मेथी को अच्छी तरह भून लेना है। और अब डालेंगे हमने ये 1/2 कटोरी मूंग दाल है, ये हमने 4 घंटे पहले भिगो दी थी और इसका पानी निचोड़ दिया है। और इसे भी डालकर थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे। फ्रेंड आपसे हमने बोला था कि हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो यही है हमारा तरीका बनाने का। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखें, कुछ आपको अलग टेस्ट मिलेगा खाने में। लगभग 2 चम्मच इसमें हमने देसी घी डाला है और इसे भी इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी डाली काली मिर्च कुटी हुई। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिलाएंगे और इसे हम अब गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे और ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी। तो अब इसे हमें आटे में डाल देना है और इसे आटे में मिक्स करेंगे और फ्रेंड इसे अच्छी तरह ठंडा होने देना है, गरम गरम ना डालें। और अब डालेंगे हम इसमें मौन, इससे मछली खस्ता बनेंगी। 3 बड़े चमचे डाला है और आप इसके आटे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप एक बार चेक कर लें कि कितनी ज़रूरत है उतना ही डालें और इसे थोड़ा थोड़ा करके हाथों से और या चम्मच की सहायता से इसे मिला देंगे और अब इसे गूंदेंगे। और एक बार हाथों से हमें चेक कर लेना है कि इसमें और ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे हमें हाथों से एक बार चेक कर लेना है कि इसके पेड़े आराम से बन रही हैं तो हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है और बढ़िया से इसे मलना है और एक सॉफ्ट टू लगा के तैयार करना है। और इसको मलने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ढक के। देखिए फ्रेंड आटा इस तरीके से गुन चुका है और अब चलते हैं हम आगे की तैयारी के लिए। अब ले ली हमें कढ़ाई जिसमें हमें इसे मठरी को बनाना है और ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है, गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई और इसे हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग साइज रख सकते हैं जैसा आपको खाना पसंद हो।
फ्रेंड एक बार मेरे तरीके से आप इस तरीके से मटरी बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी खाने में। और ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर दी हैं, इस समोसे की तरीके से बना दी हैं। जैसे आप चाहें वैसे इन्हें सेप दे सकते हैं। बनाने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से बन जाती हैं। कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे और कुछ हम सादा बनाएंगे। गोल वाली कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और इसमें हम डालते हैं एक एक करके। पहले हमने ये समोसे बनाए हैं, इनको फ्राई करेंगे। गैस को इसमें मीडियम ही रखते हैं और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और ये देखिए फ्रेंड, ये सेक कर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में और हम बाकी भी इस तरीके से सारी मछली बना के तल लेंगे। और अब हमने एक गोल वाली बनाई है, इन्हें भी इस तरीके से हमें डीप फ्राई कर लेना है। आप सर्दियों में तो इन्हें आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, क्योंकि ये सीजन में ही मैथी में मिलती है खाने में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो हम इसे इस जगह कस्तूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अलग है और इसका अलग आता है हरी वाली मेथी का। फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई करें और गर्म गर्म चाय के साथ इंजॉय कीजिए। और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।